गए, आज भी ऐसे ही सजाया जाता है एलिफेंट को, आज भी डेकोरेटेड किया जाता है इसी तरह से। आभूषण पड़ेगा उसके कमर पे। देखिए पैर के नीचे कुछ जानवर आके मर रहे हैं, जानवर पैर के नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो उस समय जब सवारियां दौड़ती थी तो जानवर इधर उधर भागते तो कुछ पैर के नीचे मर जाते थे, क्योंकि पर्टिकुलर जगह नहीं होती थी चलने के लिए, कोई रास्ता नहीं होती थी, कहीं से भी सवारियां दौड़ जाती थी। ये ग्रेनाइट है तो कोई काम नहीं हो पाता है, ये सैंडस्टोन को। ये पत्थर भी आया था? हाँ नहीं, ये लोकल का है, लोकल स्टोन है। बलू पत्थर राजस्थान से ही आता जाता था? हाँ राजस्थान से आता है, लेकिन लोकल में पहले होता था, लेकिन दीवार कर्णावती दीवार है पास में, वहाँ से आता था। आ जाने में बच्चे नहीं थकते, उनमें अभी भी एनर्जी है पर्याप्त। बड़े थक जाते, लेकिन बड़े थक जाते यूनेस्को में एक ही आया क्या? नहीं नहीं, पूरा कंपाउंड है वो, इसमें कंपाउंड को अलग इस तरह का है, क्योंकि ये टेंपल पूजा वाला टेंपल है, इसमें 19 मीटर का शिवलिंग है, बाद में दर्शन करना आप लोग। अच्छा, बाहर निकलने के बाद। अच्छा, इसको यहाँ आने के लिए बाहर से आना पड़ता है? हाँ, यहाँ पे देखिए म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? ये शहनाई बजा रहे हैं। देखिए शादी का सिस्टम दिखाया है, शहनाई दिखाई रही है यहाँ पे। देखिए बरवधु बरमाला लेके जा रहे हैं, देखिए फेरे पड़ रहे हैं, ये मंडप होता था इसलिए देखिए कलश रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे साधु जी मंत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ बैलगम बारात आती तो बैलगम के लिए तिलक लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ गुरु जी लग्जरी सीट पे बैठे हुए, सामने यंग लेडी फैन कर रही, तो गुरु जी हाथ से यूं कर रहे हैं, एक्सीलेंट कर रहे हैं। सर्वेंट खड़े हुए, मिनिस्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट, रसलिंग, थक जाते थे तो म्यूजिक बजाते थे, तो काफी लंबे समय तक जंगलों में सोल्जर्स रहते थे। देखिए इस तरह से संभोग करते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, संभोग कर रहा है, दूसरा आदमी वेट कर रहा है, एक आदमी पसंद नहीं आग बंद कर लेता है, बट मैनेज वेरी क्लियर, वन आई ओपन, देखिए उसकी एक आँख खुली हुई है। यहाँ पे देखिए बुक्स वगैरह सारे पोस्टर दिखाए गए हैं। ये देखिए बजरोली आसन कहलाता है। ये देखिए वन वन किसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन लेडी टू जेंट्स दिखाई गए, इसे हेड डाउन लेग अपसाइड, इसे अंग्रेजों को समझ में नहीं आया इनको क्या बोला उन्होंने, मिशन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए आदमी थका हुआ, एक आदमी हेड मसाज करता है, दो लोगों पसंद आँख बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेडिसिन बनाते थे, कॉल्ड इज व्याग्रा, दैट इज नॉट इज व्याग्रा, कॉल्ड इज पंचमाकार, पंचमाकार हुआ करता है, इनको पी के लोग आदमी एनर्जी रखते थे। देखिए थका हुआ तो वो कर रहा है, हेड मसाज कर रहा है। यहाँ पे देखिए पोस्टर अंग्रेजों का दिया हुआ, उल्टा 6 उल्टा 9, दोनों जब मिलाते हैं 69 नंबर हो जाता है। ये बेड इतना क्वालिटी वाला कि यहाँ भी एक आदमी खड़ा है, उसको अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, यू लाइक दिस। यहाँ पे 11 12 73 ये सारे नंबर बुक्स में जो 84 आसन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए सामने वराह का है, थर्ड नंबर का विष्णु का एक पत्थर का बना हुआ पीस है, अगर जाना चाहते हो चप्पल यहाँ खोल दीजिए, फिर यहाँ से ऊपर चले जाइए। यहाँ शेष नागर फन ना बैठे ये बच्चे, ठीक है, कम उम्र से घूमना सीख जाते हैं। तो ये जो मंदिर है ये वराह मंदिर, ये भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है। यहाँ पर शेषनाग की प्रतिमा थी, शेषनाग का सर टूट गया। यहाँ पर डिवोटी की प्रतिमा थी, ये भी टूट गई। ये भूदेवी के पैर है, सर का पार्ट अलग, पूरे की पत्थर बनाते हुए मिसिंग है। सामने सरस्वती है, 672 पेड़ हाल की पहचान में नहीं आते, 6 टन वजन है, 14 पिलर है और 925 का बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी मेटल का बना हुआ, लुक लाइक अ मेटल, मगर एक ही पत्थर का बना हुआ बड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले
पांच मंदिर है, एक दो दो पीछे हैं और एक ही बीच में। ये पहले किसका मंदिर है? ये विष्णु जी के जो लघु टेंपल होते थे ना, छोटे टेंपल, उसमें विष्णु के इंकार्नेशन रखे गए थे। बाद में ये निकल गई है, छोटी छोटी मूर्तियां थी। लेकिन इसमें देखिए सबसे पहले गणपति जी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए डांसिंग फिगर में डांस करते हुए गणपति जी दिख रहे हैं। ये देखिए इनके बैली देखिए ऐसे लग रहा है हिल रहा हो। बैठ देखिए डांस करते हुए आगे वाले म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे हैं। और नीचे आएंगे देखिए चारों तरफ एलिफेंट दिख रहे हैं। एलिफेंट का ट्रंक नीचे मीन वेलकम का प्रतीक, ऊपर गुड लक का प्रतीक। और नीचे इसको देखे ये कीर्ति मुख कहलाता है, बुरी नजर बचाने के लिए नजर बट्टू जिसको बोलते हैं। उस टेंपल में देखे थे बड़े छोटे छोटे बने हुए थे। इसमें देखिए इसकी साइज बड़ी बड़ी सुंदर दिखाई गई है। एक कमल जैसा बना हुआ है, इस जीवन का प्रतीक है। जीवन कहाँ से शुरू होता है? पानी से। तो देखिए लहरें पानी दिखाई, पानी के ऊपर आता है फूल पत्ते आते हैं, पत्ते देखे फिर कलश आता है, फिर बुरी नजर, फिर लाइफ बनती है। यहाँ पे देखिए सामने नाक कन्या दिखाई गई है। सर के ऊपर स्नैक दिख रहे हैं, चेहरा देखिए कितने सुंदर दिखाए गए हैं। इसके ऊपर जाके देखिए एक लेडी हाथ में पेपर और पेन लेके लेटर लिख रही है, पर लेटर लिखते समय स्माइल कर रही है। स्माइल करने का मतलब नॉट इज ए डिवोर्स लेटर, इज लव लेटर। और उसका हेयर स्टाइल वगैरह देखिए, इस सब चीजें मैसेज ये आ रहा है कि हजार साल पहले लेडी एजुकेटेड हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। बाद में इस टेम्पल की आप लोग जाएंगे, इसको बाहर जब निकलेंगे ना उसके बाद, ये टेम्पल पूजा वाला टेम्पल है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं उधर वो पीपल के नीचे बैठ के आराम से बैठ सकते हैं काफी देर तक, क्योंकि वहाँ बड़ी ठंडक रहती है, पीपल का पेड़ रहता है। पानी के लिए वाटर कूलर भी वहीं पे लगे हुए हैं। आ जाओ बाबू। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के पोस्टर दिखाई देंगे। देखिए नीचे जेंट्स ऊपर लेडीज दिखाई गए हैं। मैंने जो ओल्ड दिखाई दे, लेडीज वेरी यंग दिखाई दे रही है। ये देखिए वेरी फेमस पोस्टर है, इसको बोलते हैं 1 लाख पोस्टर। सिंगल पैर से लेडीज खड़ी हुई, सिंगल पैर से जेंट्स खड़ा हुआ है। आजू बाजू में योगी नहीं, योगिनी खड़े हुए हैं। योगी ऑलवेज विदाउट क्लॉथ, राइट साइड में योगिनी इज विदाउट क्लॉथ। ये देखिए हेल्प कर रहे हैं दोनों, विदाउट हेल्पिंग नॉट पॉसिबल दिस पोस्टर, बिना हेल्प के पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल पैर से दोनों खड़े हुए हैं। ये उनको क्या है वो कर रहे हैं, क्या वो हेल्प करते हुए दिखाई। लंबी दाढ़ी लंबे बाल रॉयल फैमिली मेंबर। और ऊपर जाके देखिए ये लविंग का पुल है, दिख रहा है? हाँ हाँ। उसके बाजू में देखिए लेडीज खड़ी हुई है, इसके ऊपर जो लाइट जा रही है, इसके बाल देखिए बड़े लंबे हैं। बालों के नीचे देखिए दो पक्षी बैठे हुए हैं, दिख रहा है मैम? ये देखिए जो लाइट जा रही है, दिख रहा है? हाँ हाँ। उसके बाल देखिए बड़े लंबे, बालों के नीचे देखिए पैर के पास पक्षी बैठे हुए हैं दो। ये ऊपर देख रहा है, ऊपर क्यों देख रहा है बताते हैं। कालिदास की नायिका थी शकुंतला, शिवाज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, इतनी सुंदर थी कि जब वो नहाते थे, नहाने के उसके बालों में पानी ड्रॉप करता था लाइक मोती की तरह होता है, और मोती कौन चुपता है? हंस चुपता है। तो देखिए हंस का जोड़ा बैठा हुआ है वहाँ पे, अब देखिए हंस का जोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और राइट साइड में देखिए मदर अपने बच्चे को कैरी करती हुई दिखाई दे रही है। बाजू में ड्रैगन दिख रहा है जिसको बोलते शार्दूल, आपको हर जगह मिलेगा जिसको शार्दूल बोलते हैं। हाँ शार्दूल, शार्दूल इच्छा का प्रतीक होता है। पैर के पास आदमी लड़ रहा है, मुंह के पास आदमी लड़ रहा है, आदमी जन्म से लेकर टिल डेथ पूरी लाइफ लड़ता है, मर जाता है, इच्छाएं कभी फिनिश नहीं होती है। इस टेम्पल में पूजा नहीं होती है, इस कंपाउंड के अंदर किसी में पूजा नहीं होती है, क्योंकि ये टेम्पल खंडित है, टूटे हुए है। इसमें पूजा होती है क्योंकि इसके अंदर 9 फीट ऊंचा शिवलिंग है, चमत्कारिक शिवलिंग है। थोड़ा इधर आ जाइए, मैं इसके बारे में बताऊँ। इसके अंदर बताया जिसकी मूर्ति है, यशोवर्मन नाम के एक राजा ने इसमें मूर्ति रखी थी। यशोवर्मन एक किंग थे जिनका नाम था लक्ष्मण वर्मन। यशोवर्मन के पास एक मणि थी, मणि इतनी पावरफुल थी कि उस मणि इतनी प्रतापी थी, चमत्कारी थी कि लोग उसको पाने जाए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उनको लग रहा था किसी वंशज किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इस वजह से उस मणि को उन्होंने उसके नीचे शिवलिंग के नीचे रख दिया, शिवलिंग के नीचे रख दिया, और शिवलिंग के नीचे रख दिया। उसके प्रताप से शिव की जी की प्रतिमा का ऑटोमेटिक साइज बढ़ने लगा, तो इसके अंदर 9 फीट ऊंचा शिवलिंग है, चमत्कारी शिवलिंग है। इसमें सोमवार मंडे के दिन इतनी लंबी लंबी भीड़ लगती है कि आदमी दर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बड़ा टेम्पल शिवरात्रि के साथ बड़ी भीड़ मचती है। इसके दर्शन आप लोग बाहर जब बाहर निकले बता दूंगा, वहां से निकलने बाजू में गेट है तो इसके दर्शन कर सकते हैं। ये शिव जी का टेम्पल है, ये यूनेस्को में आने के पहले अलग कर दिया, पहले ये दोनों टेम्पल के प्लेटफॉर्म जुड़े हुए थे, ये लोग इधर से उधर जा सकते उधर से इधर, लेकिन जब यूनेस्को में आया तो एक अलग कर दिया, बोला कर दिया गया। यहाँ पे देखिए वाला कॉर्नर
लेडीज पिला रही है जिसको सुरा सुंदरी बोलते हैं। अब चेहरे देखिए दोनों, ऐसे लगता है दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी हो। इस समय पता चलता है उस समय जो कोई भी लेडीज हो या जेंट्स दोनों साथ में बैठ के पिया करते थे, वो आज फिर से वो रिटर्न आ गया, दोनों फिर से पीने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे बैग की स्टाइल, ये देखिए बैग, मैम यहाँ बैग देखिए इसका, जो पर्स लेके लेडीज चल रही है टंगा हुआ है पर्स, उसको देखिए लोग मॉडर्न स्टाइल का पर्स दिखाई दे रहा है। इस तरह के पर्स मतलब हजार साल पहले चला करते थे, इसलिए पता चलता है कि लेडीज के स्टैंडर्ड में कभी कमी नहीं आई, हजार साल पहले भी अच्छे बैग लेके चलती थी। देखिए यहाँ पे तंत्र क्रिया योग क्रियाओं से बाल आपको टंग टू टंग किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबी दाढ़ी लंबे बाल आप बड़ी होना रॉयल फैमिली मेंबर, बाजू में योगी, योगी के नीचे देखिए लेडी ओरल सेक्स करते हुए दिखाई दे रही है, पैर के नीचे देखिए मैन बैठा हुआ है। इससे पता चलता है नॉट ओनली वन पर्सन नॉट ओनली टू पर्सन इज वन कम्युनिटी, वन कम्युनिटी हुआ करते थी क्रियाओं को संपन्न किया करती थी। इसी लाइन में देखिए फिर सिंदूर लगाती हुई लेडी दिख रही है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे डबिंग कपूल इनको मंकी डिस्टर्ब कर रहा है, पैर के पास मंकी बैठा हुआ है, लेडी डर रही है पर उसका बॉयफ्रेंड स्माइल कर रहा है। स्माइल क्यों कर रहा है, उसके यहाँ पे छड़ी है, छड़ी से मंकी को पास बुला रहा है, मंकी जितने पास आ जाएंगे गर्लफ्रेंड उतने ही पास आ जाएंगे। तो मन की चंचलता का प्रतीक है, आदमी का मन मंकी तरह उछलता है। तो देखिए यहाँ पे रोमांटिक कपूल है मंकी को दिखाएगी, ये पानी निकलने का है, गर्भगृह से कनेक्टेड होता है, गर्भगृह बोलते हैं वहाँ से पानी डायरेक्ट आता है। हाँ वहाँ जैसे गर्भगृह में पूजा करते हैं ना उसका पानी बाहर आता है। यहाँ पे देखिए एलिफेंट स्माइल कर रहा है क्योंकि देखिए बाजू में पोस्चर बना हुआ है, देखिए बाजू क्या है ना, बच्चे नहीं थकते बड़े थक जाते। ये देखिए ये मकर पुराना है, दोनों साइड ये क्रोकोडाइल दिख रहे हैं, ये वन पीस एक पत्थर का बना है, इसको बोलते हैं मकर तोरण। ये शिव जी विष्णु जी का टेम्पल है, लेकिन नाम इसका लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण राजा के नाम से पड़ा, विष्णु का टेम्पल होने की वजह से छोटा टेम्पल सामने लक्ष्मी जी का बना हुआ। तो पहले राउंड लगा लेते फिर अंदर चलेंगे, आप ऊपर आ जाइए टेम्पल निकाल के, उसके बाद आप मोक्ष के लिए जाते हैं। जैसे अर्ध मंडप से गुजरते हैं तो सबसे शुद्धिकरण का प्रतीक होता है वहाँ से, लेकिन इसको बोलते हैं मंडप। ये नॉर्मल लोगों के लिए बैठने के लिए होता है, जहाँ आप बैठे हुए प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं महामंडप। महामंडप का मतलब होता है ये जैसा डेकोरेटेड रहता है पूजा पाठ के लिए यूज होता है, इसमें रॉयल फैमिली के लोग बैठते हैं। महामंडप हमेशा सजा हुआ होता है, तो पिलर देखिए ऊपर सजे हुए हैं, सारे पिलर सजे हुए हैं, सीलिंग भी देखिए सजी हुई है, इसमें पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं। इसके बाद आता है अंतराल, ये देखिए अलग एनर्जी देता है, यहाँ पे साधु संत बैठते हैं मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद गर्भगृह आता है। अंदर देखिए बैकुंठ धाम की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, इसमें देखिए तीन पेज दिख रहे हैं, मिडिल पेज विष्णु जी का है, लेफ्ट एंड राइट साइड नरसिंह भगवान का है।
ये देखिए वराह का है, जो उधर देखा था आपने, बड़ा था महेश विष्णु। यहाँ पे देखिए मंकी कपड़े को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए नरसिंह भगवान का दिखाया गया, पूर्ण मंकी विष्णु विष्णु का है। हिरणा का सबका पेट फाड़ते हुए ये जगह बैठने के लिए बंद करते थे, लोगों को बैठने के लिए पूजा मेडिटेशन करना है, इसमें जिसमें नीचे बैठने के लिए ध्यान के लिए खो। अब आप चले जाइए फूट बनना लाइटिंग इसमें 24 आवर रहती है, जिस दिन सन निकलता है, जब तक ये सन निकल रहा है उतनी ही लाइट मूर्ति के ऊपर रहती है। वहाँ लक्ष्मी माता की जो है मंदिर से, हाँ वहाँ से सन निकलता है जैसे मॉर्निंग में, तो रिफ्लेक्शन इस पे आता है, इसके बाद सीधा मूर्ति के ऊपर जाता है। आप देखिए चावल दाल मूर्ति के ऊपर रोशनी आ रही है, ये विशेष प्रकार की वो है। पुख नक्षत्र के दिन होता है, क्या होता है पुख नक्षत्र के दिन पैर के पास रोशनी जाती है, बैक साइड में जब उसकी रोशनी अंदर जाती है ऊपर चक्र जो चलता है वो ऐसे लगता है कि घूम रहा हो। आइए अब इसके परिक्रमा ले लेते हैं। यहाँ जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, इस मूर्ति के ऊपर जो प्रकाश है, इसी मंदिर के ठीक सामने माता लक्ष्मी का एक जो है मंदिर बना हुआ है छोटा सा। जैसे ही सुबह होती है इस छोटे मंदिर के ऊपर धूप पड़ती है और इसके प्रकाश से सामने बने भगवान विष्णु के मंदिर में उनकी जो है मूर्ति के ऊपर शाम तक प्रकाश बना रहता है। अब इसके बाद जो है बगल में बना हुआ है जो है ये जो मंदिर, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हिंदू इस्लामिक जो है कैटेगरी का मंदिर है, जिसमें आप जो है मंदिर और मस्जिद का स्ट्रक्चर एक साथ बना हुआ देख सकते हैं। ये जो है ईंटे का बना हुआ मंदिर है, ये पत्थर का बना हुआ मंदिर नहीं है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ईंट से बनाया गया है। और इसके बगल में जो है नंदी जी का जो है मंदिर है, लेकिन फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो उसका जो है हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। आप यहाँ पीछे जो है लक्ष्मण मंदिर जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखता है, बराह मंदिर देख सकते हैं, और सामने वहाँ जो मत्संग मंदिर के बारे में दिखाया गया था वह मंदिर ये है, ये उनकी जो है प्रतिमा है वो कम से कम जो है 10-12 फीट तो ऊँची होगी। और वहाँ उसके बगल में जो प्रयोगशाला है ये उसकी फ़ोटो है।